इंदौर में सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित युवक को बाप बहन लगते थे दुश्मन, उतारा मौत के घाट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे बेटे ने अपने पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार हत्यारा बेटा मानसिक रोगी है और उसका कुछ दिनों से इलाज भी चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना की जानकारी 36 घंटों बाद तब हुई जब अपने पिता और बहन की खोज में निकली दूसरी बेटी क्षमा ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पहले आसपास खोजबीन शुरू की, उसके बाद कमरे का ताला तोड़ा। वहीं जैसे ही घर का मुख्य दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने देखा कि अंदर एक कमरे में खून से लथपथ दो लाशें पड़ी हुई थी और दोनों के चेहरों पर एक चादर डाली गई थी। पुलिस को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मामला हत्या का है। कमरे में ही पड़ी थी लाश। इस मामले में संयोगिता गंज थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी और 76 वर्षीय किशोर धामंडे और रमा अरोरा, जिनकी उम्र 53 साल है, दोनों के 36 घंटे पुराने शव एक फ्लैट में मिले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या उसके ही 43 वर्षीय बेटे पुलिस द्वारा सिर पर वार करके की गई है। पुलिस ने बताया कि हत्यारा बेटा पुलिन अपने पिता किशोर के साथ ही रहता था, जबकि उसकी बहन क्षमा खातीवाला चैंक निवासी है। क्षमा रविवार को अपने पिता से मिलने गई थी और नीचे गार्ड ने उन्हें बताया कि पिता और बहन ऑटो से कहीं गए हैं। इस वजह से उसे लगा कि वह अस्पताल गए होंगे और वह निश्चिंत हो गई। लेकिन जब काफी देर तक उनका पता नहीं चला तो क्षमा ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। इसके बाद पुलिस ने छानबीन के बाद फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो कमरे में पिता और बहन की लाश पड़ी हुई थी। आरोपी ने दोनों लाशों को चादर से ढक दिया था। बताया जा रहा है कि हत्या अलग अलग कमरों में की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिन सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी में व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि हर कोई उसका दुश्मन है। नवलखा के वसुधेव कुटुंबकम अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड बैंक अफसर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इधर बताया जा रहा है कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित पुलिन लोगों के सामने आने पर अपना चेहरा अखबार या किसी भी दूसरी चीज से छुपा लेता था ताकि लोग उसे देख ना सके। पुलिन काफी आक्रामक भी था और उसके व्यवहार से उसकी माँ भी परेशान थी। इस वजह से वह सिलिकॉन सिटी में अब अलग रहने लगी थी। पुलिन पहले भी अपने पिता पर हमला कर चुका है। परिजनों का कहना था कि वह पिछले कुछ दिनों से ज्यादा परेशान कर रहा था और कुछ महीने पहले ही रिहैब सेंटर से वापस आया था। पुलिन ने इन दिनों दवाई खाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत और खराब हो रही थी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।